हेलो दोस्तों, वैसे तो हम लोग बहुत दिन से फार्मिंग सिमुलेटर की लाइव स्ट्रीम्स कर रहे थे, बट आज संडे है तो आज संडे स्पेशल की वीडियो में फार्मिंग नहीं है। आज हमें अपनी गाड़ियों वगैरह की मेंटेनेंस चेक करनी है, इनको धोना है, इनको साफ़ वगैरह करना है, क्योंकि यही सब हैं जो हमने अपनी मतलब कह लो कि हमने फार्मिंग कर करके ली हैं, या जो भी ट्रैक्टर्स वगैरह हैं वो हमारा एक रोज़ी रोटी आप समझ सकते हो वर्ड, तो वो चीज़ है हमारे लिए। सो इनकी मेंटेनेंस भी सारी हमारे हाथ में रहनी चाहिए। इधर वॉशर प्रेशर लगा हुआ है घर के अंदर, तो हम एक एक करके ट्रैक्टर घर के अंदर लेके आएंगे, फिर उसके बाद उसको वॉश करेंगे। और आज मेरी फैमिली जो है वो बाय बस सिटी में घूमने गई हुई है, क्योंकि मैंने उनको बोला था कि गाड़ियों की आज मेंटेनेंस का डे है तो गाड़ियाँ आज आपको नहीं मिलेंगी, तो इसीलिए वो उनको सिर्फ मैं बस अड्डे तक छोड़ आया था, तो वो वहाँ से जो है वो चले गए हैं घूमने। तो आज हम लोग घर पे अभी फ़िलहाल के लिए अकेले हैं, तो जब मैं घर पे अकेला होता तो मैं घर की साफ़ सफ़ाई या अपनी गाड़ियों की मेंटेनेंस करने की प्रेफरेंस ज़्यादा देता हूँ, बकायदा सोने से या कोई पिक्चर विक्चर देखने से, क्योंकि जिस चीज़ का शौक़ नहीं है वो मुझे करना पसंद नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपनी बिल्लो रानी फॉर्चूनर को निकालते हैं बाहर, या बाहर निकालते हैं या इसी से हम अपनी जो साफ़ सफ़ाई है उसको शुरू करते हैं। तो हमने फॉर्चूनर को सीधा पीछे गार्डन एरिया में लेके जाना है, तो कोशिश करेंगे कि जो गाड़ियाँ धुलें या तो वो अपनी अपनी पार्किंग पर दोबारा पहुँच जाएँ, या फिर एटलीस्ट वो किसी ऐसी जगह पर खड़ी कर दी जाएँ जहाँ पर बाहर आने जाने वाले लोगों को कोई दिक्कत ना हो। अरे यार, मैं बाहर क्यों आ गया फार्म से, तो देखते हैं अभी सब कुछ सेटिंग वेटिंग करना है, सब कुछ करना है, ठीक है ना। लो जी, हमारी फॉर्च्यूनर तो एक बार धुल गई है, सारी साफ़ हो गई है। अब देखते हैं कि इसको मेंटेनेंस की ज़रूरत है, इसको मेंटेनेंस की ज़रूरत अभी नहीं, क्योंकि अभी ये पीछे एक दो दिन पहले तो हमने इसको बाय किया था, तो इसको क्या ही मेंटेनेंस होगी। तो भाई आज देख सकते हो हमारे मतलब मेरा एक स्कूल फ्रेंड है और वो प्रॉपर्टी डीलर का काम भी करता है, तो उसका भी अभी मैसेज आया है कि वो इस टाइम हमारे मतलब इस एरिया में है, तो वो बोल रहा है कि वो आज हमारे घर आएगा। तो हम उसको पहले, तो भाई ये मेरे फ़ोन पे SMS आया था जो मैंने आपको पढ़ा दिया है, तो हम तो उसको सबसे पहले रिप्लाई कर देते हैं। हमने उसको रिप्लाई कर दिया, अब वो थोड़ी देर में हमें या तो कॉल वगैरह करेगा, क्योंकि घर उसको पता नहीं है, ये वाला घर मैंने शिफ्ट किया है ना, तो इसीलिए उसको नहीं पता होगा। तो ये कार मैंने इतनी साइड पे इसीलिए लगाई है क्योंकि ट्रैक्टर वगैरह अंदर लेके आने हैं, सब कुछ करना है, तो इस वजह से किसी भी गाड़ी को कोई दिक्कत ना हो। अब जैसे वो पीछे एक ट्रैक्टर खड़ा है, ठीक है ना, उसको पहले धो लेते हैं, टाइम बचेगा अपना। उसका मैसेज आया कि अभी वो जिस होटल में रुका है उस होटल में वो अभी ब्रेकफास्ट वगैरह कर रहा है, तो जब तक वो ब्रेकफास्ट करता है तब तक हम लोग जो है वो अपनी गाड़ियों की साफ़ सफ़ाई कर लेते हैं। फिर आप लोग मतलब इस पार्ट को स्किप करना तो फिर मतलब कोई सेंस ही नहीं है, क्योंकि बीच में अगर उसका मैसेज आएगा तो फिर आप कहीं ये मत बोलो कि भाई ये कैसे कर दिया वगैरह वगैरह, ठीक है ना। तो इसीलिए फिर वो मैसेज करेगा, अब उसके मैसेज का वेट करना है। जब तक वो मैसेज नहीं करता, हमने ट्रैक्टर तो धो लिया, अब इसको सर्विस करने की बारी है। मैं जब तक पहले उसको घर का एड्रेस भेज देता हूँ। तो हमारे हाउस नंबर है, कैपिटल में भेजता हूँ ताकि पूछने में आसानी रहे। हाउस नंबर हमारा है 23, नहीं हमारा सच फार्म नंबर है, हाउस नंबर नहीं है भाई, हम बड़े लोग हैं, बिग पीपल्स। फार्म नंबर 23, और ये पड़ता है अपना, ये कौन सा लेन है, हाँ IFM लेन। और यार ये मेरे घर के पास कौन सी फैक्ट्री है, हाँ वुड चिप फैक्ट्री, नियर वुड चिप फैक्ट्री। और हम लोग रहते हैं जलंधर के पास में, तो जलंधर लिख देते हैं, पंजाब।
ये मैंने उसको भेज दिया, फार्म नंबर 23 IFM लेन, ये जो लेन का नाम है ये सारी लेन का नाम IFM लेन पड़ता है, नियर वुड चिप फैक्ट्री, सामने उधर वुड चिप फैक्ट्री है, ये शायद साथ ही में है मेरे हिसाब से तो, और जलंधर के पास हम रहते हैं, तो जलंधर मैंने बोल दिया उन्हें पिटना है। एक तो ये देखो ऑप्शन ही नहीं दे रही है, दे दे ऑप्शन। हद वाली बात हो गई है। हाँ अब आया ना, कस्टमाइज नहीं करना मुझे, मुझे इसको रिपेयर करना है, रिपेयर। चलो भाई देखा, जितना कम पे हम उसको रिपेयर कर दें, रेंज रोवर को मेंटेनेंस की ज़रूरत है तो रेंज रोवर को मेंटेन करते हैं। अभी तक उसका मैसेज नहीं आया, शायद अभी उसने खाना भी ना खाया नहीं होगा, खाना खाने के मामले में भी वो बहुत फूडी टाइप बंदा है वो। लो जी और ही कुछ मांग लेते, आ गया मैसेज, मैं पेट्रोल पंप पे रुका हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा, मैंने खाना खा लिया है, गाड़ी को भी खिला देता हूँ। अच्छा भाई वो पेट्रोल पंप पे वेट कर रहा, मतलब पेट्रोल पंप पे वेट नहीं कर रहा है वो लाइक कह सकते हो, पता नहीं क्यों पेट्रोल भरवा रहा होगा, डीजल भरवा रहा होगा, कार से आ रहा होगा, भाई बड़ा आदमी है वो, छोटी मोटी चीज़ नहीं है वो। और ये देखो ना भाई, साफ़ सफाई करने का ये भी एक रीज़न मिल गया कि हमारा एक दोस्त आ रहा है वो, वरना आके समझेगा कि गाड़ियाँ तो महंगी महंगी रखी हुई हैं, चाहे वो हमसे भी महंगी कार लेके आए, बट दोस्त दूसरे दोस्त की गाड़ी को देखता है, या दोस्त एक दूसरे दोस्त को देखता है, तो वो सबसे पहले मिलके किसी न किसी बात पे बेइज्जती करना उसका जन्मसिद्ध अधिकार होता है वो इसमें। तो शायद आप अपने फ्रेंड को भी ये वीडियो सजेस्ट करना, ठीक है, उसको बोलना कि जब तू भी बड़ा आदमी बन के मुझे मिलने आएगा तो ऐसा मत बोलना कुछ, पता नहीं। हालांकि मेरा दोस्त, क्योंकि वो इतना भी वो मतलब शार्प माइंडेड है, बट वो बोलता कम है, मतलब बातें वो कम करता है, वो शुरू से ही जब से वो मेरी क्लास में था ना, वो तब से ही ऐसा ही बंदा है वो, मतलब वो बहुत कम बोलता है, जिस बात में उसको लगता है कि बोलना चाहिए उसी में बोलता, वो मेरे जैसा नहीं है कि किसी भी बात में बस अपनी पंचायत शुरू कर देना, वो उसका वो काम ही नहीं है वो। अब ये देखो इसका आ ही नहीं रहा, चिचा हेलो चिचा, यार यहाँ पे आया, चलो रिपेयर ही नहीं हो रही, हद हो गई है। अब बोल तो आज क्षण रुको भाई, उसको मैसेज करना पड़ेगा, देखो भाई मैसेज में तो कम से कम इज्जत दे सकते हैं ना, मैसेज में तो उसको मैंने भाई लिखा है, अब चाहे आते उसको चार गालियां दे दूं, बट मैसेज में तो रिस्पेक्ट बनती है कि नहीं बनती है, फिर आप लोग बोलोगे वरना, ठीक है ना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना अगर आप इस चैनल पे नए हो, इस वीडियो के थ्रू आए हो। तो भाई वो देखो सामने से हमारा चापला बड़ा दोस्त आ गया, वो देखो भाई देख रहे हो आप, आ गया भाई, ये महारथी। हाँ चल चल घर पे आ जा, घर पे घर पे घर पे, ये घर नहीं है, ये पार्किंग नहीं है, इधर आ जा। लो भाई हमारा दोस्त आया आज बड़ी देर बाद, ये है अपना घर, लगा ले अंदर, लगा ले अंदर, लगा ले लगा ले, चल चल। ओ भाई भाई बस पता लग गया, बस बस, ओ महानस्ती। हाँ भाई क्या हाल है, हेलो। क्या हाल है, लेट हो गया हाय, बड़ा। अरे अरे हाँ यार, रास्ता खराब है भाई तुम्हारे यार। रास्ता वो बन रहा है अभी, तुमको क्या पता, इधर डेवलपमेंट चल रही है दो बार तो रास्ता भटक गया हूं मैं, तो पूछ लेना चाहिए ना। पूछा तो था भाई, रास्ते पे कोई है ही नहीं पूछने के लिए। अरे पहले तो गाड़ी ढंग से लगाओ, प्रो ड्राइवर्स। क्या रे क्या, कोई आपसे बेइज्जती मिलने की कोई, अरे ये देखो भाई ये मेरा दोस्त है, अरे अभी अभी के लिए ये देखो आपसे आपसे कह के बात कर रहा है, बट ये 10 मिनट बाद जब इसी घर की चाय पी लेगा ना, तो ये आ जाएगा वापस तू तड़ाक पे, ये बहुत आपसे मतलब घर पे कोई नहीं है, अकेले घर हो?
हाँ घर पे अकेले हैं, घर वाले गए घूमने, हम कहाँ अच्छा, जाते मेरे को भाई। लगा घर वाले होंगे। देखा भाई ये ऐसे लोग है भाई मेरे दोस्त, कहता घर वाले होंगे इसीलिए रिस्पेक्ट दे रहा था, घर पे कोई नहीं है। चल आ जा अंदर, चाय पिलाता हूँ। गाड़ी के फिर तेरे अंदर को मत क्यों आ जाना रिस्पेक्ट अब, कम दिमाग के आदमी, घर के अंदर चल, चाय पिलाता हूँ। है? अच्छा चलो हाँ भाई, चाय देखो पी, चाय पिएगा या कोल्ड ड्रिंक पिएगा? जहर पिला दो भाई अब। चलो जहर तो नहीं है अभी। हाँ वो फिर कोल्ड ड्रिंक फर्टिलाइजर, पिला दो, कोल्ड फर्टिलाइजर ड्रिंक है, पिला दो। फर्टिलाइजर है, वो पिला दूँ? नहीं भाई, कोल्ड ड्रिंक पिला दो। चल बैठ, मैं कोल्ड ड्रिंक लेके आता हूँ। चलो भाई मैं थोड़ी इससे बातें वीते कर लेता हूँ, फिर आप लोगों से मिलता हूँ, ठीक है? तो भाई 10:15 का टाइम हो चुका है, 10:20 ही मान लो आप। तो अब हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि ये भाई साहब जो है ना, ये बहुत खा रहे थे आज, पता नहीं शायद काफ़ी टाइम बाद मिले हैं तो इसीलिए इनको पूरी भूख लगी थी। तो अब टाइम आ गया इनको फार्म वगैरह दिखाने का। तो सबसे पहले तो मैं अपनी कार वगैरह जो जो अंदर करनी है उसको अंदर कर देता हूँ, जिनको जहाँ रखना है उसको वहाँ रख देता हूँ, ताकि घर वाले अगर घर आएँ तो आके फ़ोन करके मुझे डांटे नहीं, क्योंकि उनको पता नहीं है ना मैं वीडियो भी बना रहा हूँ, तो वो कभी भी डांट देते हैं। इसीलिए मैं ट्रैक्टर जो है वो अंदर शेड पे लगा देता हूँ। और सबसे पहले इसको मुझे अपना फार्म दिखाना है, अपनी ज़मीन दिखानी है, और ठीक है फिर बाकी काम करना है मुझे। तो ट्रैक्टर को अंदर लगा देते हैं, ट्रैक्टर लग गया, बाकी घर के दरवाज़े वगैरह लॉक कर देते हैं, पीछे से इसको बंद कर देते हैं, ये यार्ड का दरवाज़ा है अपनी। क्या हो गया अब? ये भी बंद कर देते हैं, ये भी बंद कर देते हैं। चलो भाई अब ये सारा कुछ बंद हो गया, अब यहाँ से अब हम इसकी कार को ड्राइव करेंगे आज। इसको भरोसा नहीं है, कहता नहीं भाई, कहता जैसी ड्राइविंग तो पहले करता था तो वैसे ही ड्राइव करता होगा। तो सबसे पहले हम अपना फार्म देखेंगे, फिर मैं इसको अपनी लैंड दिखा, मतलब जितनी अपने पास लैंड है वो दिखाऊंगा, फिर आफ्टर दैट इसको जो गणेश जी के मंदिर वहाँ लेके जाएंगे, फिर इसको गुरुद्वारे में मत्था टिकाएंगे, फिर उसके बाद इसको शिव जी के मंदिर लेके जाएंगे, फिर उसके बाद जाके कहीं हम लोग जो हैं वो थोड़ी बैठ के अपने कोई पुराने यादों को ताज़ा करेंगे, ठीक है? तो आज का हमारा शेड्यूल हमारे फ्रेंड के साथ कुछ ऐसा है। और ये इसकी गाड़ी है भाई साहब, टोयोटा की कार लेके आया ये भी बंदा, बहुत पूरा खानदानी अमीर है ये, देख सकते हो भाई क्या लाइटें लगवा रखी हैं, देख रहे हो, सपना ही रह अरे जाए। कैसा लगी कार? अरे कार मस्त है, अपनी है हाँ तो अपनी अपनी कार, ही है। अपनी कार पंजाब में, मतलब मुंबई से कार पे आया? हाँ मुंबई से कार पे, मतलब डायरेक्ट मुंबई से नहीं, बीच में रुकी थी कोई मेहमान के घर भी जाना था थोड़ा सा, अरे पहचान मतलब वाला। ये गाड़ी मुंबई से ही लाया है? हाँ कमाल है, मैं वही पूछ रहा हूँ, कह रहा मुंबई से नहीं लाया, हद वाली बात हो गई है मुंबई से ही लेके आया इसको। भाई। देखो कार देखो कितनी स्मूथ है। अगर आप लोगों को ये कार पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में बताना, फिर हम भी अपनी कोई कार बेच के और ऐसी ही कार बाय कर लेंगे, या इससे ही छीन लेंगे, इसका क्या है, ये तो ऐसा ही है, इसके पास बहुत पैसा, ये ले लेगा दूसरी, ठीक है ना? तो चलो अब निकलते हैं यहाँ से। भाई साहब क्या कार है, मस्त एकदम, जोर कार लेके आए यार। ऐसी कितनी कलेक्शन है? ऐसी तो मतलब 3-4 है भाई, मतलब ऐसी नहीं है, SUV तो यही है बाकी अच्छा बड़ी SUV यही तो है। सर। ये देख, हाँ ये पार्किंग है अपनी, भाई ओ तेरे की। भाई, भाई अभी एक ट्रैक्टर तेरा लाया, तो बहुत बड़ा है यार ये, मतलब शोरूम शोरूम में बना रखा है भाई। शोरूम कहाँ है, फार्मिंग चलती है ना बट अपनी। मैं वही तो शोरूम टाइप ही बना रखा है ना। और वो शोरूम टाइप वो तो भगवान की कृपा है, भगवान का आशीर्वाद है बस, सही है ना? बहुत यहाँ यहाँ पहले फार्म हाउस, अब ना फार्म हाउस मैंने शिफ्ट करवा दिया, यहाँ पे था। यहाँ बना था ना फार्म हाउस, दोबारा बनवाया सारा। ये देख ऑटोमेटिक डोर्स, ये अकेला अकेला डोर ही बहुत महंगा आया यार, यहाँ से नहीं मिला, ये बाहर से बनवाया है। पहला वाला तो फार्म हाउस नहीं था यार, वो तो कुटिया थी ना एक। मैं वो तो तो मतलब भाई वो तो प्रॉपर्टी डीलर ने पागल बनाया था, प्रॉपर्टी डीलर सब ऐसे ही होते हैं, अब देखना भाई ये चिढ़ेगा। हाँ भाई बोल ले भाई, ये बोल ले। ये देख ये एक लैंड, ये है ये सारा अपना ही एरिया जाता है पूरा लास्ट तक, और ये वाह पीछे देख रहा है, आ जा उतर जा गाड़ी से, गाड़ी बंद नहीं की, फिर ये बोलेगा डीजल डलवा के दे, भाई बहुत चंट आदमी है ये भी। ये लैंड अपनी है, अब इसके ऊपर मत चलना, फार्मिंग की कम नॉलेज है शायद तेरे को,
ये भी लैंड अपनी है हाँ पूरी। हमारे, अरे भाई सिटी में कहाँ फार्म होते हैं यार, यहाँ पे तेरे पास आके ही देखता हूँ बस, और रास्ते से। हाँ बस पंजाब में वैसे मिल जाएंगे तुझे काफ़ी, तू है भी पंजाब में ही। हाँ वेलकम टू पंजाब भाई, ये तो कहना मैं भूल ही गया भाई। अच्छा ये थैंक देख यू। यहाँ पे टूरिस्ट अट्रैक्ट करने के लिए ये ताजमहल का एक वो छोटा मॉडल बनवाया है यहाँ की रेप्लिका गवर्नमेंट ने बना रखा है तुम लोगों ने, सही है भाई। भाई, ये टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए है, तभी यहाँ पे ये सारी फसलें अब मतलब लोगों ने उगानी शुरू की हैं जब से ये थोड़ा डेवलप करा है ना। बस बहुत मतलब वरना ये बहुत पिछड़ा इलाका होता ना, जैसे हाँ वैसी चीज़ थी, इसीलिए मैंने यहाँ पे अपनी, देख भाई इतनी ज़मीन ऐसे ही थोड़ी खरीदी है, मतलब इन्वेस्टमेंट देखने में ये करोड़ों की लगती है बट ये है नहीं है, क्योंकि ये तब ली ना जब ये ज़मीनें जस्ट मतलब बनी थी, तब के तभी मैंने उठा ली थी रेट दे के मतलब सस्ते तुम्हारे में। दादाजी ने और उन्होंने उठाई रहेगी। नहीं नहीं मैंने मैंने अच्छा मतलब अभी की मेरी है। हाँ मेरी मेरी काफ़ी फैमिली तो बाहर है कनाडा में, और बाकी मेरे साथ जो रहते हैं वो मेरे मदर रहते हैं, मेरे फादर रहते हैं, बाकी मेरा ब्रदर वगैरह सब बाहर है। चला गया क्या वो बाहर? आपका आज का गया वो तो 4-5। फायदा है कि इस एरिया की ज़्यादातर बातें न्यूज़ में नहीं आती। हाँ थोड़ा आउटसाइड है ना तो हाँ न्यूज का आउटसाइड नोट भी रहेगा कह भाई। सकते हो या कम डेंसिटी वाला एरिया भी कह सकते हो ना, तो इस वजह से ये पुलिस मतलब कह सकते हो कि न्यूज़ रिपोर्टर्स की आँखों में ज़्यादा आता नहीं है। ये भाई ये देख ये गणेश जी का मंदिर है, अभी ये मतलब बनना है पूरा सही से, बट अभी इन्होंने मूर्ति स्थापना करके और मंदिर मतलब लाइक स्टार्ट कर दिया ताकि लोग आ सकें। मैं खुद आता अभी हूँ तो यहाँ पे टाइम बहुत लगेगा, बारी। अभी तो टाइम लगेगा ये हाँ अभी तो बनने इसको साल और लगेगा पर बनेगा बहुत अच्छा, क्योंकि ज़मीन इन्होंने बहुत ली है। चल आ जा जा माथा टेक क्या, और प्रसाद ले जाना पंडित जी से, मेरे लिए भी ले आना, मैं बाहर ही खड़ा हूँ में। अच्छा भाई। वो देखो अपना दोस्त जा रहा है माथा टेकने और अभी वो आएगा वापस, ये बंदा बहुत तेज है भाई, फटाफट माथा टेक आएगा, क्योंकि इसके पास एक आधी ख्वाहिश होती है मांगने वाली, फटाफट मांग के वापस आने वाला बनता है, ये टाइम नहीं वेस्ट करता, भगवान को भी ये बिजी ही समझता है। बहुत अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल का बंदा है ये। अब यहाँ से हम लोग इसको लेके जाएंगे शिव जी के मंदिर, क्योंकि 12:30 हो चुके हैं इधर इधर घूमने घूमने में ही, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि इससे प्रॉपर्टी की कुछ बात करनी है या नहीं, क्योंकि इससे मतलब मोस्टली मुझे इससे लेनी तो थोड़ी इन्फॉर्मेशन ही है प्रॉपर्टी के रिलेटेड। मैं इसको वो ज़मीन भी दिखाऊंगा जो हम लेने की सोच रहे हैं। चले चलो चलो प्रसाद लाया, हाँ लेके आ गया वापिस वहां से। वापिस हाँ भगाऊंगा वरना मैं। लेके आ गया ना, देखो रखा है नीचे। पंडित हाँ जी को बता देना था ना गेमिंग सिंह के घर आया हूँ, फिर देखता है पंडित जी बहुत अच्छा ट्रीट हाँ करते हैं। हाँ वो तो बोले, उन्होंने पहचान लिया ना तुमको देख के, वो देख लिया तुमको अच्छा से। हाँ यार ये वो बड़ा बोले अच्छा, कौन लगते हो उनके, मैं बोला कोई नहीं दोस्त हूँ, आया हूँ आज ऐसे ही, कुछ काम तो नहीं था भाई, लेकिन हाँ एरिया में कुछ था तो मैं सोचा तुम्हारा गांव भी पास ही है, आ जाए भाई सही मिलने। यार ये गांव ही माना जाता है यार, जबकि यहाँ पे लेन बनी है वो जो भेजी ना एड्रेस में हाँ IFM लेन, वो लेन बनी है यहाँ पे, तो गुरुद्वारे में मत्था टेक हाँ और चलो माथा टेकने जाएंगे। यहाँ से कड़ा प्रसाद लेके आना। हाँ 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 यहाँ मेरा नाम मत लेना वरना वो 2 बारी प्रसाद देंगे तुझे। चलो भाई अपना दोस्त जा रहा है, अब देख सकते हो गुरुद्वारे माथा टेकने, कड़ा प्रसाद लेके आएगा भाई। इसकी गाड़ी यार जोर लेके आया, ये पता नहीं कहाँ से लाया ये यहाँ पे पैर धुलने की फैसिलिटी नहीं है क्या? है, उधर पीछे लगी है यार वो अच्छा ये रही। भाई। ये देखो यार ओए हो इसकी कार की स्पेस देखो भाई साहब, डिक्की भाई, इस डिक्की में तो मैं खुद पूरा सो जाऊं। सही है यार, पता नहीं कहाँ से ढूंढ के लाया यार, इसको पूछेंगे मॉडल अगर तो मिल गया ना भाई मज़ा ही आ जाएगा कसम से। और क्या होता है, आ गया भाई फिर से आ गया यार। एक गाड़ी कितने की पड़ी है तुझे ये बता पहले, सही सही रेट बताना ईमानदारी से। ये तो भूल गया मैं 3-4 है भाई ऐसी, मतलब SUV नहीं यही है, बट ऐसी 3-4 हो गई मेरे पास तो ये कितने कार, कब ली है मतलब ये, इस रेंज की। क्योंकि ये कब ली है तूने, ये तूने इसका स्टेटस वगैरह भी नहीं कुछ डाला, कोई इंस्टाग्राम पोस्ट नहीं, बड़ी तूने ये सीक्रेट तो कार ली है तूने या भूल गया। हाँ ये सारे दोस्त ले रहे थे, मैं सोचा चलो मैं भी ले लूँ, इनसे पूछा वो बोला ये ले ले ले।
कमाल है भाई। ये देखो भाई, ये होते हैं अमीर बंदे। दोस्तों ने बोला गाड़ी ले ले तो ले ली, चाहे अब इसका इंजन मारुति का निकले ना, इस बंदे को तब भी कोई लेना देना नहीं है। इसके दोस्तों ने बोला तो ये मान जाता है बात पहली बार में। हाँ थोड़ा सा मतलब, अरे ये का मतलब एसयूवी में मेरे को ज्यादा पता भी नहीं है और ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं है, ये तो बस ली थी मैंने खड़बड़ रोड पे जाने के लिए। अच्छा हाँ, अब इसका तूने सीधा ही इसका सबसे पहला ट्रिप मुंबई टू पंजाब कर दिया भाई। इतनी ही चला, हाँ डायरेक्ट इतने किलोमीटर चला दिए भाई, पागल ही कर दिया गाड़ी को। अपन मेरे को यूज तो लग रहा है भाई, क्योंकि इसके टायर बड़े हैं ना, तो खट्टे में से मतलब स्पीड में निकाल सकते हैं इसको। भाई टोयोटा की कार है यार, पंजाब में टोयोटा की कार का तो पूछ, यहाँ पे वेटिंग है। कार बुक करवाओ ना, फिर कार कहीं जाके महीने 2 महीने बाद मिलती मैंने है। तो टोयोटा की इंपोर्ट कराई थी यार, एक का AE86 कर। जा भाई पहले मंदिर मत्था टेका, फिर बाकी बाद में बात करते हैं। चला भी गया यार ये, देखा ये बहुत आदमी थोड़ी है, अरे आ मशीन जाओ है। ना, मैं नहीं हर आ बार रहा, मेरे मैं को भेज होके जा चुका हूँ, मैं नहीं आ रहा। क्या मैं मतलब, अभी सुबह ही क्या? सुबह, मैं सबसे पहले सुबह सुबह यही काम चलता है अपना। अपन भाई पक्के बंदे हैं भाई साहब। ये देखो कार की लुक देखो यार, ऊपर से इसका नंबर देखो, VIP नंबर लेके आया ये बंदा। इसने नंबर पे पैसे लगा दिए होंगे भाई, ये किसी की सलाह नहीं लेता किसी चीज़ में। पता नहीं इस बार ये कैसे मान गया। मैंने इसको दो दो 2.5 साल पहले इसकी मेरे साथ जब फ़ोन पर बात हुई थी, तब मैंने इसको बोला था, कहता था कार लेनी है बढ़िया सी जो स्पोर्ट्स लुक दे। मैंने इसको पोर्श का सजेस्ट किया था, तब इसने बोला था नहीं मैं पोर्श नहीं ले रहा। तो ये पोर्श छोड़ के लेम्बोर्गिनी का पुराना मॉडल लेके आया था, कोई 2011 पता नहीं 12 का। बहुत पैसा है इस बंदे के पास। मैं और अरे अभी रिसेंटली एक कार ली थी भाई, क्या कौन सी? RX 7 करके, उस पर बहुत रिसर्च करके मैंने कहा जहर है। अरे गाड़ियों के कलेक्शन के मामले में इस बंदे की कोई कंपटीशन नहीं है। अच्छा तेरे से एक बात करनी है, करो मैंने ये जो है ना कैटल फार्मिंग शुरू करनी है अब, मतलब गाय भैंस पालनी है। तो उसके लिए मैं ज़मीन देख रहा था, मैं तुझे दिखा के लाता हूँ वो ज़मीन कौन सी थी। वो मैंने देखी थी, तो तू बता उस ज़मीन में तुझे कुछ गड़बड़ लगती है या उस ज़मीन का एरिया कितना है। क्योंकि मैं कम से कम 200 के आसपास गायें पालूँगा, और कम से कम 100 या 200 ही चिकन मतलब मुर्गियाँ रखूँगा, चिकन कूप भी रखूँगा और काओ पेस्टर भी लगाऊँगा। तो तू बता कि वो ज़मीन तुझे देखने में कैसी लगती है, मैं तुझे लेके जाता हूँ उसकी लोकेशन पे, हाँ, चलो। क्योंकि तुझे प्रॉपर्टी की नॉलेज है ना। और पता नहीं फार्मिंग प्रॉपर्टी की नॉलेज है या नहीं, पता नहीं, बेचिए कभी। हाँ बेची है मतलब, बहुत बार बेची है, लेकिन तुम लोग क्या है मतलब, सब लोग एकर में करते हैं, अपन मीटर में करते हैं। अच्छा हाँ ज्यादातर कंस्ट्रक्शन की चीजें बेची है मैंने, मतलब कंस्ट्रक्शन के लिए जगह, फार्मिंग की तो बर्गर बहुत कम वर्गर बेची। बर्गर वगैरह तो नहीं खाना तूने? ना ना बाद अभी में खा के आया भाई, पेट भरा हुआ है। खाएंगे। ये देख, ये ज़मीन देख रहा है ना राइट साइड वाली, हाँ हाँ ये देख रहा हूँ मैं, राइट वाली या लेफ्ट वाली दोनों ही सही हैं वैसे तो। लेफ्ट वाली तो छोटी लग रही है, हाँ वही है ना। मतलब कैटल फार्मिंग और तुमको वो चिकन भी करना है ना, तो उसके हाँ लिए अगर कैटल फार्मिंग और चिकन और उसके साथ अगर कोई प्लांट उभारोगे ना, तो ये सही रहेगा। ये जगह सही है, मतलब फिर मुझे ये है ना कि इस जगह पे मैं सिर्फ पेस्टर्स लगवाऊंगा, मतलब पेस्टर बनवाऊंगा जहाँ पे जानवरों को रखूंगा, और बाकी जो इनका सारा मटेरियल जो प्रोड्यूस करना है खाने पीने का, वो सारा फिर मैं अपनी जो ज़मीन है ना उसमें से किसी एक को पर्टिकुलरली सिलेक्ट करके और उसमें परमानेंट कर दिया करूँगा। सही कि नहीं? हाँ, बहुत सही। लेकिन ये जमीन सफिशिएंट हो जाएगी यार, 35 मतलब, ये क्या बैठ कितनी मीटर की है ये? ये 35, अरे यार ये नंबर अलॉट हुए हैं ना तो 35 नंबर पड़ती है ये। अच्छा, हाँ अरे वरना ऐसे कितने में तो कंफ्यूजन, मीटर टेन भी नहीं ऐसे लेके आया ना, ऐसे तो ऐसे कंफ्यूजन हो जाती है ना बेचने यार मैं में। वो मतलब संडे के लिए आ रहा था, जॉब वॉब नहीं, क्या क्या चाहिए? ऐसे ही टाइम पास के लिए आ रहा था, तो मैंने वो टेप ही नहीं लाई तो जिसे टेप मतलब। करने, टेप करनी क्या है तूने? अरे ये जमीन की इसका टाइप एरिया नाप ना, एरिया नाप के तू क्या करेगा? तू बस ये बता तुझे ये सफिशिएंट लगती है या नहीं। सफिशियंट तो लग रही है। मैं तो देखो, ये 36 नंबर की भी जो है ना, ये साइड वाली, कौन सी? ये भी, हाँ ये जो है लेफ्ट वाली,
ये भी सफिशियंट है, बस ये थोड़ा कंजेस्टेड हो जाएगा और घर भी पास में है तो मतलब ये जल्दी हो जाएगा डेवलप ये एरिया। अगर यहाँ पे लो ना मतलब ये 35 नंबर की ये तो रोड टच है, मतलब दोनों साइड से रोड है ना, इसकी फायदा हो जाएगा अपने। हाँ ये वैसे बात तो तेरी सही बोल रहा है ना, तो टू साइड पड़ती है ना, वैसे टू साइड नहीं है, थ्री साइड गेट पड़ता है, पीछे वाली भी रोड जा रही है, सामने भी रोड जा रही है, और इधर जिधर हम मंदिर से हाँ आए उधर भी रोड जा रही है, तो थ्री साइड गेट लग सकता है वैसे तो इसमें। और वैसे ये हम चल रहे ये भी यहाँ पे भी रोड बना सकता है, यहाँ पे मतलब रोड अलाउड कच्ची नहीं है, कच्ची रोड, रोड रोड कच्ची अलाउड नहीं। रोड, हाँ कच्ची कच्ची रोड रोड बन सकती है वो बजरी वगैरह डाल के ना, वो सीमेंटेड वाली थोड़ी। बस। अरे बस गाड़ी लाने के लिए, अपना ट्रैक्टर लाने के लिए। हाँ मतलब इधर वैसे गेट लगाने का कोई सेंस नहीं है, गेट तो रोड की साइड लगे तो ज़्यादा बढ़िया है, गाड़ी वाड़ी आने में थोड़ी आसानी रहेगी ना। हाँ बस पीछे भी बस एक छोटा ये सा है, गेट लगा दियो। हाँ बस ये है कि ये घर से थोड़ी दूर है तो यहाँ पे सिक्योरिटी थोड़ी देखनी पड़ेगी, मतलब ये ना ना सुबह तक आए तो 100 गाय ली थी, 10 कोई ले गया, 10 उसके अगले दिन ले गया, मतलब हाँ हाँ वो सारी सिक्योरिटी का ध्यान रखवाना पड़ेगा। तो हाँ दोस्तों कोई बंदा रख हमारे, दियो ना, एक मिनट अब मैं ब्लॉगिंग कर लूँ साथ साथ। कर लो कर लो। दोस्तों हमारा जो आज का हमारे प्रॉपर्टी वाले दोस्त के साथ का मेन बात थी वो मैंने कर ली है, तो वैसे तो हम 36 नंबर की फील्ड सोच रहे थे बट उसको 35 ज़्यादा पसंद आई है, तो इसी खुशी में हम लोग बर्गर खाने जा रहे हैं अभी, तो ड्राइव थ्रू बर्गर लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं है क्योंकि इसने वापस भी जाना है, और मुझे भी बाकी अपने घर के काम करने हैं थोड़े, मतलब घर के काम लाए झाड़ू पोछा नहीं, साफ़ सफाई वगैरह थोड़ी अपने कमरे की थोड़ी सुधार करनी है, तो मैं बर्गर ले लेता हूँ फिर आपसे मिलता हूँ ठीक है। बर्गर हमने ले लिया है, बर्गर लिया है, फ्रेंच फ्राइज़ लिए हैं, और मतलब कॉम्बो लिया है और साथ में कोल्ड ड्रिंक लिया है, तो अब ये बैठ के खाएगा, मैं तो अभी ड्राइव कर रहा हूँ, मैं तो घर जाके खा लूँगा ठीक है ना, ये कहीं लेट ना हो जाए। तो अब घर जाते हैं, थोड़ी बातें वातें करते हैं, कुछ थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, बड़ी देर के बाद ही आया, ईद का चांद है ये बंदा, और आज ये भी आया, संडे को आया है, तो शुक्र है कि हम लोग इस टाइम पे इन सब जगह से घूम घूम के फ्री हो गए हैं, अगर शाम के टाइम का प्लान रखते तो घूमने का सपना ही रह जाता, सही है ना। तो इसको ताजमहल का वॉक अराउंड करवाते हैं पूरा, भाई ये देख ले ताजमहल ऐसा दिखता है जो इधर बना है, ये एडवर्टीजमेंट देख रहा है क्या? अरे ये तो बैटरी, कौन सी बैटरी, ये पीछे एमरॉन, क्या बेच रहा है, कौन सी एमरॉन कार है ये? टाटा मोटर्स की टाटा देख, की है। टाटा बहुत ये कर रहा है भाई एडवर्टाइजमेंट आजकल। अरे अरे अभी डेवलप एरिया है ना, मतलब डेवलपिंग चल रही है ना इसके लिए। यहाँ पे आते हुए 2-3 प्लांट भी देखे थे यार मैंने, बड़े बड़े तुम्हारे एरिया में कौन से किसके? बहुत। अरे मतलब एक तो कुछ कुछ तो बना रहा था यार, बस बड़े बड़े प्लांट थे यार, मतलब प्लांट बोल रहा हूँ फैक्ट्रीज थी बड़े बड़े, सही कुछ है। तो था यार, कुछ तो प्रोडक्शन कर रहे थे। एक रुक जा आप गाड़ी अंदर लगा, ताला खोलता हूँ 1 मिनट रुक तो केमिकल वाला था, उसमें से बहुत गंदी स्मेल आ रही थी। चिचा, मैं हाँ 2 मिनट घर के अंदर चल गाड़ी लगा दे, चाय पीनी है बैठ के आराम से। चलो चलो गेट लगा लूंगा पीछे से। भाई यार ये देखो इसकी कार, भाई साहब क्या सस्पेंशन थी, थोड़ी सी पीछे करनी पड़ेगी। चलो भाई हमारे दोस्त के साथ अब हम लोग घर पे आ चुके हैं वापस, इसने हमें बहुत अच्छी अच्छी सजेशन दी हैं, वो 3 फेज गेट का तो मुझे सच्ची में आइडिया भी नहीं था जो बात इसने बोल दी है, अब शायद से मेरा पूरा मन बन गया। इधर आजा बाहर, आजा बाहर बैठते हैं आराम से। हाँ और बताओ, कोई नहीं, अरे रुको एक कॉल आ रही है, मैं आ रहा ही मैं चाय बनाता हूँ जब तक, रुक तो बात कर ले, कोई बात नहीं, इधर टेबल पे रख दे, आ ही गया, चाय पी ले। हाँ। ये चाय पीने के बाद निकलना पड़ेगा, मेरे को कॉल क्यों आ गई है। क्या हो गया, रुक अरे जा अरे आज रात। नहीं, अरे दिल्ली भी जाना है फिर शाम, मतलब वो जो एक डेट थी ना, एक प्रोजेक्ट था, एक बंदा है भाई उसका प्रोजेक्ट ले रखा है, तो वो बोला कि यार 2 दिन में नहीं हो पाएगा, 1 दिन में करना पड़ेगा। मैं बोला भाई ये तो मुश्किल हो गया, फिर ये अभी जो वैकेशन पे आया था ना, एक कम करनी पड़ेगी, अब कल ही निकलना पड़ेगा। मैं वैसे तो सोच रहा था मैं रहने का तेरे पास, लेकिन अब नहीं हो पाएगा, वो अभी चल जाना अच्छा चाय पड़ेगा। तो पी ले, चाय तो पी ले फिर चले जाना, चाय तो पी ले, तू हाँ ये तो पी लेंगे, मतलब इतना भी क्या है। चाय पी, मैं आ रहा हूँ 1 मिनट में ठीक है, घर पे रहना जाना मत। गाइस हमारा दोस्त बड़ी देर बाद आया तो उसके लिए कुछ, तो 1 मिनट यार। ओ हेलो किधर गया, दोस्त
2 मिनट तेरी कार लेके जा रहा हूँ, इधर ही बैठना, जाना नहीं, ठीक है? जाएगा भी कैसे, ये तेरी कार ही बहुत पसंद आई है यार मुझे। गाइस हमारा दोस्त आया है तो उसके लिए कम से कम ज़्यादा नहीं तो एक मिठाई का डब्बा, एक बुके, मतलब इसको थैंक्स बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में। अगर आप भी अपने किसी फ्रेंड को जब बाय बोलते हो तो इस तरीके से बोलते हो तो भाई आप एक बहुत अच्छे फ्रेंड हो फिर। ऐसा मेरा मानना है, बाकी मेरा कुछ भी मानना होता है तो आप मेरी बातों को ना मानना। तो मिल्क केक था, वो फ्रेश भी था, और वो बोल रहा था कि वो 1-1.5 दिन तक मतलब रेफ्रिजरेटर या किसी भी ठंडी जगह पे रहे तो वो ठीक रहेगा। तो ये कार में जा रहा तो कार में तो एसी चलाएगा ही, अमीर बंदा भाई, फुल एसी छोड़ेगा। तो एक बुके ले लिया है और बस इतना कुछ लिया है भाई, मतलब बुके और मिठाई का डब्बा ही है बस। बाकी अगर फैमिली आती तो उनको अलग से ठीक करता मैं, बस अभी अकेला आया तो मुझे पता नहीं है कि फैमिली में अभी लाइक इसकी शादी वादी हो चुकी है या बच्चे बच्चे हैं, कुछ खास पता नहीं है इसके बारे में अभी ना। मुझे इसके पूछने का इंटरेस्ट है, अगर लेके आएगा तो हाँ उनको ट्रीट अच्छे से करेंगे, ये बात की गारंटी है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ बता देना मुझे कमेंट सेक्शन में, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, और इस वीडियो का सारा क्रेडिट और सारा पूरा का पूरा थैंक जो है वो सच्ची में हमारे इस कौरन भाई को जाता है, जिन्होंने मल्टीप्लेयर सर्वर में कनेक्ट करके और हमसे हमारे फ्रेंड की, मतलब हमारे फ्रेंड तो हैं ही हैं बट हमारे स्कूल फ्रेंड की तरह बन के हमसे एक सही वाली चैट की। और एक ऐसी फील आपको मैंने, एक ऐसा कंटेंट आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की है जिसमें वाकई ये चीज़ लगे कि जब दो फ्रेंड काफ़ी सालों के बाद मिलते हैं तो वो एक दूसरे से क्या बात करते हैं, और अगर ख़ास करके वो एक दूसरे के वर्क से या एक दूसरे के बिज़नेस से रिलेट करते हो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हमारा फ्रेंड भी अब जा रहा है, चलो भाई साहब निकलो, आपकी गाड़ी में चलो आपका भाई कुछ, मिलते हैं बाद में आपकी अपन। गाड़ी ठीक में आपका कुछ सामान पड़ा है तो वो भी लेते जाना, वो आपका ही है, ठीक है? ठीक तो अब आना, अब फैमिली को लेके आना। मेरे फैमिली कहाँ भाई, कोई नहीं अभी। मेरे व्यूअर शायद कमेंट सेक्शन में पूछेंगे कि जो आपका फ्रेंड आया था उसकी फैमिली में कौन कौन है, तो वो अगर पूछेंगे तो फिर मैं आपको वीडियो कॉल पे पूछूंगा, वरना मैं अभी कोई खास ऐसे दखल नहीं देना हाँ चाहता, ठीक मतलब है? टेढ़ी बात पूछ रहे हो तुम, है ना? हाँ मतलब पूछ तो लिया लेकिन पूछा भी नहीं ऐसे। कोई हाँ नहीं, अभी तो कोई नहीं है, आप अकेले हैं। हम अच्छा चलो भाई फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट टाइम, ठीक है? जल्दी आना अब, और शादी करके आना अगर नहीं की है तो। 1 महीने में कौन शादी करता है भाई? देखते 1 महीने में फिर आओगे? बड़ा अच्छा, हैं, अगर आना हुआ तो। चलो मतलब ठीक आता जाता रहता हूँ दिल्ली, कुछ चाहिए मतलब थोड़ा सा डिटूर हो जाए लेकिन चलेगा। है ठीक है। तो भाई इसकी गाड़ी यार बहुत पसंद आई है, चलो ठीक है भाई मिलते हाँ हैं, ठीक है, कोई नहीं, आना आप ले जल्दी लो। आना, अब ये नहीं कि फिर से दोबारा 5-7 साल बाद। अरे नहीं, जल्दी आएंगे, मैं बोला ना आता जाता रहता हूँ। चलो और तुम्हें ये क्या कार पसंद आई है, तुम भी ले लो, तुम्हारे ले, पास का पैसे कम पड़ रही है, शोरूम खड़ा कर लिया तुमने तो ट्रैक्टर का खुद का। अरे यार पैसे अभी इन्वेस्ट करने यार बहुत मुश्किल हो रहे हैं, अभी सारा कुछ लिया क्योंकि अभी मैंने फर्स्ट पहली बार फसल लगाई है ना, हाँ तो अभी उसका डर ही है, मतलब वो कहीं बारिश वारिश ना हो जाए, क्योंकि यहाँ की लैंड का भी कुछ पता नहीं कितनी फर्टाइल है, क्या आप मुझे प्रोडक्शन देगी, कुछ नहीं पता अभी, तो भी डर ही है। हालांकि इतना भी मतलब भगवान की कृपा से इतना तो है कि जितनी इन्वेस्टमेंट की है सारी विदाउट लोन की है, मतलब मैंने खुद के सारे पैसे थे जो लगाए हैं, अब लोन लेने की नौबत ना आ जाए बस। कोई नहीं, नहीं आएगी, भगवान की कृपा है, बस हाँ वही तुम ना, चल अम्मा ठीक जी है फिर पे क्या मिलते बोलते हैं। हैं, विश्वास रखो, कर देंगे सब कुछ सही। अरे वही ना, मैं भी वही बोल रहा चलो निकलो। हूँ, अब अगली बार कोई इससे भी डेंजर कार लेके आना ताकि व्यूअर्स को और डेंजर कार दिखा सके, चलो ठीक है, देख लेते हैं, एक पड़ी ठीक हुई है मेरे पास। लेके आना भाई इसकी कार, नीचे से देखो भाई ग्राउंड क्लियरेंस देखो इतनी ऊंची है। चल ठीक है मिलते चलो हैं, निकलो मैं, हाँ चलो ओके, मिलता है बाद में, हैप्पी बाय। जर्नी, पहुँच के फ़ोन कर देना, ठीक, बाय। चलो भाई हमारा दोस्त चला गया, तो मैं गेमिंग सिंह मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें, और इस चैनल पे बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, ऐसे ही सिमुलेशन कंटेंट और मल्टीप्लेयर गेमिंग वीडियोस के साथ हम लोग मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।